किंग चार्ल्स III का कोरोनेशन होने वाला है 6 मई 2023 को। कोरोनेशन टर्म सुन के जिस किसी को भी लग रहा है कि किसी को पकड़ के उसके अंदर कोरोना वायरस डाल देना कोरोनेशन है, वो एकदम गलत है। ये एक ब्रिटिश ट्रेडिशन है जिसके थ्रू रॉयल फैमिली के किसी पर्सन को क्राउन का हकदार घोषित किया जाता है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड मिलके बनते हैं यूनाइटेड किंगडम, एके यूके। और इसमें से जब नॉर्दर्न आयरलैंड निकल जाता है तब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स मिलके बनते हैं द ग्रेट ब्रिटेन, और इसके रहने वालों को कहते हैं ब्रिटिश। इंडिया इस ब्रिटिश रूल के अंडर ही 200 साल तक रहा है, अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी को इंक्लूड करें तो। मैं हूँ शागुतोलागा और आज हम जानने वाले हैं कोरोनेशन, ब्रिटिश एम्पायर और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। लेकिन ये समझने से पहले चलिए एक बार नज़र डालते हैं रॉयल फैमिली ट्री पर। क्वीन एलिजाबेथ और किंग जॉर्ज VI का 2 बेटियाँ हैं, प्रिंसेस मार्गरेट और क्वीन एलिजाबेथ II। प्रिंसेस मार्गरेट स्नोडन की काउंटेस है। क्वीन एलिजाबेथ की शादी एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस फिलिप के साथ हुआ। फिलिप 2021 में ही गुजर गए और उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ 2022 पे। क्वीन एलिजाबेथ II की 4 बच्चे हैं जिनमें चार्ल्स III सबसे बड़े हैं। क्वीन एलिजाबेथ II, जिन्होंने 70 साल तक क्राउन संभाली है, एट द एज ऑफ 96 डायड ऑन 8 सितंबर 2022, और उनके डेथ के बाद क्राउन का हक डायरेक्टली चार्ल्स III के पास आ जाता है। लंदन की वेस्टमिंस्टर एबी पे कोरोनेशन का ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा और आर्च बिशप ऑफ कैंटरबर इस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। फॉक्स कैरोलिना इस इवेंट को लाइव कवर करेगा और लोग इसे रोकू, एप्पल टीवी या फायर टीवी पे देख सकेंगे। पहले तो एक स्टेट प्रोसेशन होने वाला है फ्रॉम बकिंघम पैलेस टू द एबी, और उसके बाद उनका रिचुअल्स लाइक द रिकॉग्निशन, एनॉइंटिंग, कोरोनेशन ओथ, द होमेज एटसेट्रा। इसके बाद एक फाइनल प्रोसेशन फ्रॉम एबी टू पैलेस। 6,000 से भी ज़्यादा आर्म फोर्स मेंबर इस प्रोसेशन में टेक पार्ट करने वाले हैं और 70 साल में इंग्लैंड का यह सबसे बड़ा मिलिट्री सेरेमोनियल ऑपरेशन होने वाला है। इंडिया से लूट किया जाने वाला कोहिनूर हीरा, जो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल कट डायमंड्स में से एक है, इतने दिनों तक क्वीन की क्राउन में रहता था। क्वीन की डेथ हो जाने के बाद जब इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देश जिनके पास ये हीरा कभी ना कभी रह चुका है इस डायमंड को क्लेम किया, तभी बकिंघम पैलेस ने ये पूरा कंट्रोवर्सी एक साइड करते हुए ये घोषित किया कि कोरोनेशन का ये पूरा प्रोसेस में कोहिनूर हीरा कहीं पर भी फीचर नहीं होगा। ये इंग्लैंड का एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव है जिसके चलते उन्होंने इस वाइटल टाइम पे सारे कंट्रोवर्सी को एक साइड कर दिया है। कोरोनेशन का ये प्रोसेस इंग्लैंड और उनके रहने वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये एक डीप अंडरस्टैंडिंग का ग्राउंड एस्टेब्लिश करते हैं। इंग्लैंड एक फास्ट वर्ल्ड कंट्री होके भी अपने ट्रेडिशन कल्चर को इतना वैल्यू दे रहा है। रॉयल फैमिली, किंग या क्वीन, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस कल्चर को इतने दिनों तक पकड़ के रखा है और पूरे शिद्दत से निभा रहा है। और हम यहाँ अपनी कल्चर ट्रेडिशन को पुराना कह के इससे छुटकारा पाने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं।